लाइव 24 न्यूज देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। चलिए रुक करते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 433 नए मामले सामने आए। इन आंकड़ों के बाद अब प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 4076 हो गई। 6185 लोग अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, वहीं 275 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में अर्चना तिवारी ने बाजी मारी है, जबकि उनकी मार्कशीट में कैटेगरी ओबीसी लिखी गई है, जिसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के पटा नाला में भूसा व्यापारी संजय ने मजदूर की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, संजय ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी राइफल से हवा में फायरिंग भी की। इस घटना में आरोपी संजय के अलावा उसका बेटा भी शामिल था। हालांकि पुलिस ने तत्काल इस मामले की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तक अनूप मिश्रा व उनकी पत्नी रीना पांडे के सहयोग से प्रवासी मजदूरों व जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर व खाद्य सामग्री वितरित करने का कार्य किया गया। इसी कड़ी में रविवार को बंगला बाजार में सरोकार गंगा कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। लखनऊ के डालीगंज में G95 कंपनी CRPF सरोजनी नगर लखनऊ के जवानों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोतवाली हसनगंज कंपाउंड मनकामेश्वर वार्ड के कैलाश व नंद गांव हाता में सैनिटाइजेशन कर करीब 200 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। यूपी के बाराबंकी जिले में अयोध्या लखनऊ राजमार्ग पर एक गैस का टैंकर फटने से अफरा तफरी मच गई। टैंकर में देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद को खोलने से पहले जारी की गई गाइडलाइंस, मस्जिद में बिना मास्क के किसी को भी दाखिला नहीं दिया जाएगा। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के रेबिन इलाके में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि शोपिया के रेबन गांव में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। दिल्ली बीजेपी का नया जिम्मा संभालने वाले प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आदेश गुप्ता लॉकडाउन के बीच राजघाट पर दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा की बिगड़ी स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अब दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थिति केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह 8 जून को उड़ीसा और 9 जून को पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में और राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में वर्चुअल रैली करेंगे। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली और प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर अपना विरोध जताते हुए बर्तन बजाए। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्ते के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त में फिर से खोला जाएगा। बता दें, दोबारा स्कूल खोलने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर रविवार को विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष स्थिति को सुलझाने और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक जुड़ाव जारी रखेंगे। दिल्ली हिंसा में अकबरी बेगम की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। उपद्रवियों ने अकबरी बेगम के घर में आग लगा दी थी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 38 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या 1341 हो गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना है। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।